हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? ह्यूमन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ये जो है किसके किस चीज के लिए जाना जाता है? तो COP15, जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें क्या, अब ये जो बायोडायवर्सिटी के ऊपर समिट हुई है, इसमें 30x30 का टारगेट रखा गया। अब ये 30x30 क्या है? तो इसमें कहा गया है कि जो दो, एक 30 का मतलब है 2030 और एक का मतलब है 30% हमें वाटर को कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अभी हाल ही में ये जो चीज़ है न्यूज में था 30x30, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ से इसको ध्यान रखना है आपको। 22 मई मनाया जाता है किस चीज के रूप में? बायोडायवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगर पूछा जाता है इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये दोनों डेट आपसे पूछी जाती हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन, जॉब क्रिएशन इंडेक्स, इसमें कौन सा स्टेट इंडिया का टॉप पे रहा है? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडिया का कर्नाटक का जो सिटी है बेंगलुरु, ये इस इंडेक्स में टॉप पर है। तो आंसर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्या है? हाईएस्ट ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो एस्ले बार्टी को ये जो अवार्ड है वो मिला है। किसको? एस्ले बार्टी को। नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज 2022 में इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो 39th एडिशन हुआ। अगर कहा जाए कि कौन कौन से देशों के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। इंडोनेशिया की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा बाली इसका क्या है? राजधानी। आसियान की समिट कौन से नंबर की? 36 नंबर की। कहाँ पर हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में हुई थी 2022 में। ओके, अगला देखिए, IUCN यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हिमालयन मेडिकल प्लांट्स को इसके अंदर शामिल किया गया, मेडिकल प्लांट्स को इसमें शामिल किया गया, और कितने मेडिकल प्लांट्स को IUCN में भारत की तरफ से शामिल किया गया? 3 मेडिकल प्लांट्स को इंडिया की तरफ से इसमें शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा है, अगर प्लांट्स की बात करें तो IUCN की किस लिस्ट में इसका जो कंजर्वेशन है वो होता है? तो IUCN की रेड लिस्ट में इसका कंजर्वेशन किया जाता है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है, और इसमें आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, जैसे इंडेंजर्ड है, ये सभी लिस्ट है। ठीक है, इसमें क्या रखा है? जानवरों को इसमें रखा जाता है। इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसके वल्नरेबल। ठीक है, तो ये सभी लिस्ट है जिसमें क्या किनको रखा जाता है? एनिमल्स को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है रेड लिस्ट में, तो प्लांट्स को रेड लिस्ट में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगर कहा जाए किस टाइप का है, तो ये है ग्रीन फील्ड। कौन सा है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ पॉइंट्स गोवा से जो कि आपको याद रखने हैं, ये क्या है? एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट है। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा में 2 रिवर्स हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर। और यहाँ पर क्या है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये गोवा में है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। और गोवा से क्या याद रखिएगा कि सबसे पहला राज्य था जिन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल को लॉन्च किया था, UCC को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। और आपको मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा दूसरा राज्य जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी कि UCC को लॉन्च किया है, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और UCC के लिए आर्टिकल मैंने अब कई बार बताया है, तो इसका भी आंसर करिएगा कि आर्टिकल नंबर कौन सा है हमारे संविधान में UCC के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेन वेबलर्स ये क्या है? चिड़िया का नाम है। ये क्या है? बर्ड की प्रजाति है। और कहा गया है क्वेश्चन में कि इसकी नई प्रजाति भी हाल ही में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हाल ही में देखा गया था।
कहाँ पर पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुगाफिर, अरुणाचल प्रदेश के मुगाफिर हिल पर ये पाई गई है। ये जो है लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुगाफिर हिल किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा कि मुगाफिर अभी जो है न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर रेन वेबलर की प्रजाति पाई है जो कि किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम इन दोनों को कौन सा ब्रिज है जो आपस में ज्वाइंट करता है? तो भूपेन हजारिका ब्रिज है जो कि दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है एमडी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और हाँ, अरुणाचल, आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे पूर्वी राज्य भारत का कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश ही है, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार और चाइना, या फिर हम इसको तिब्बत कह सकते हैं, इसके साथ इसकी सीमा शेयर होती है। अगला क्वेश्चन एमडी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो आंसर हो जाएगा मिनीस शाह। मिनीस शाह जो है वो कौन है? एमडी है किसके? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, दो एक वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क डे है भारत में वो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है। और अगर कहा जाता है कि वर्गीस कुरियन जी, जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, तो वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए होता है? तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन होता है। कहा जाए अगर कि भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो कि टॉप पर आता है मिल्क प्रोडक्शन में, वो है इंडिया। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से, किस देश से आते हैं? तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से आता है। ओके, और अगर कहा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूपी हो जाएगा, और हरियाणा भी इसी में आता है, लेकिन यूपी के बाद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो कि कब आई थी भारत में? 2018 में आई थी। कहा जा रहा है इसमें हेल्थ अकाउंट सबसे ज़्यादा किस राज्य में बनाया गया, या फिर इसमें टॉप पर कौन सा स्टेट है, या फिर राज्य ना कहकर इसको यूटी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आंसर तो यूटी है। तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर, जो कि पहला यूनियन टेरिटरी है, या फिर सभी में हम कहें तो सबसे पहला ये टॉप पर रहा है। इन्होंने क्या किया है कि आयुष्मान भारत योजना जो 2018 में आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट किसके द्वारा बनाए गए हैं, जनरेट किए गए हैं? जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको जनरेट किया गया है, जिसमें क्या दिया जाता है, 5 लाख पर फैमिली। इसमें जो है हम कह सकते हैं कि रुपए दिए जाते हैं, जिसमें रुपए क्या दिए जाते हैं, मतलब इसमें स्कीम है कि 5 लाख रुपए तक के जो आपका मतलब स्वास्थ्य है उसको अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो हम 5 लाख रुपए तक की दवा आपके मुफ्त में करेंगे। ठीक है, अगर कहा जाए इसी से संबंधित चिरंजीवी योजना कौन से राज्य में आई थी, तो चिरंजीवी योजना राजस्थान में है, जो कि क्या कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा हेल्थ कवरेज इसी का है। किसका? चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान में चलती है। अगला क्वेश्चन है, खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। और अगर कहा जाए कि खुद का क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को हम किस तरीके से कर्व कर सकते हैं, तमिलनाडु का टारगेट कब तक का है, तो 2050 तक का इसका टारगेट है। और नाम क्या रखा गया है, ग्रीन तमिलनाडु। क्या रखा गया है? ग्रीन तमिलनाडु। अब क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि ग्रीन तमिलनाडु इसका जो टारगेट है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 2050 है। ओके, तो आज का था ये हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे आपने और नोट भी इसको किया होगा। तो अब मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें फिर से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए।